कर्म कैसे करेगा उसमें अभी अंत मंगल है मुनि चमा सागर जी द्वारा विरचित मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदा दो जैन धर्मोस्तु मंगलम नमो हरिहंताण नमो सेताणम नमो आयिरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोय सव पंच परमेश्वरी भगवान की जय सभी नौवर्ण कर मंत्र पढ़ लें तो हमारा पिछले जो अभी तक जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है नाम कर्म के बारे में है ना जैसा शरीर हमें मिला है तो हमें ऐसा क्यों मिला है तो उसके लिए हमें क्या बताया गया कि अगर हमने अपनी इंद्रियों का अपने मन वाणी और काय का सही इस्तेमाल नहीं किया उसका दुरुपयोग किया तो समझिए कि हम अपने अशुभ कर्म का बंद करते हैं ठीक है तो जैसे एग्जाम्पल अगर हम ले तो लेडीज जैसे बहुत ज्यादा बोलने की आदत होती किसी मेल्स में भी हो सकती है लेकिन लेडीज में ज्यादा होती है राइट अब किसी धर्म सभा में बैठे हैं और पीछे बैठकर और वो अपनी गॉसिप करने लगे है ना तो एक तरह से उन्होंने उपदेश में कहा तो वो आत्मा के कल्याण की बातें सीख सकते थे लेकिन कहा उन्होंने अपनी उस वाणी का दुरुपयोग कर लिया है ना उपदेश की सभा में पीछे बैठकर और गॉसिप करना दूसरे भी उससे अट्रैक्ट हो सकते थे दूसरों को भी डिस्ट्रैक्शन का कारण वो बन सकती थी या बनी हो क्या पता है ना तो इसके लिए बताया कि वो फिर अगले जन्म में यू you नो know, ऐसा जानवर बन जाते हैं जो कि जिनके पास जुबान नहीं रहती तो जो जुबान जब मिली है उसका कैसे इस्तेमाल करना तो अपने में यहाँ पर क्या बताया हित मित प्रिय बोलना ठीक है ना और जब भी बोलना हमेशा अपने विवेक का इस्तेमाल करके बोलना बहुत ज्यादा समय पर और बहुत ज्यादा हम लोग को क्या सिखाया जाता है कि नो मैटर वॉट जवाब देकर आओ है ना कि तुम्हारा अः नीचे नहीं होनी चाहिए तुम्हें हमेशा रिस्पॉन्स देना ही चाहिए तो वो चीज भी हमें यहाँ पर सीखने की है कि नहीं ऐसा नहीं अपना विवेक इस्तेमाल करना अननेसेसरी हमसे कोई ताकतवर हो और हम उसे कुछ उल्टा सुनाया है तो अपना ही नुकसान हो सकता है तो इतना विवेक होना चाहिए देखें सामने वाला किस सिचुएशन में है हमसे ज्यादा स्ट्रांग सिचुएशन है या हमसे बहुत कमजोर है तो भी उसको सुनाने का कोई सेंस नहीं है ठीक है ना तो हालांकि सुनाना तो एनी अपने बगल जो अपने लेवल पे है उसको भी नहीं चाहिए लेकिन जहां तक आ, लौकिक समझदारी की बात है तो अपने से बड़े या अपने से छोटे इन दोनों से अननेसेसरी के नहीं उलझना चाहिए ठीक है ये तो सिर्फ एक नीति की चर्चा हो गई कि विवेक कैसे हम यूज करते हैं है ना लेकिन अगर हम अपने धर्म का उपदेश सुनकर कुछ करना चाहे सीखना चाहे तो आएगा मन वाणी और काय का सही इस्तेमाल करना ठीक फिर हमने एक कहानी भी देखी थी कि लोमड़ी की बात में आकर दो एक बैल और एक शेर अपनी मित्रता को खत्म कर देते हैं है ना और मर भी जाते हैं क्योंकि एक दूसरे से लड़कर वो मर जाते हैं तो क्या कह रहे हैं कि ये तो हुई बच्चों की कहानी अपने जीवन में ये बात हमें समझ में नहीं आती है है ना दूसरे से लड़ने से दूसरों की बुराई करने से अपनी ही हानि होती है जैसे वो जानवर आपस में लड़ाई दूसरे की सिकाई बिलाई में आकर और अपनी ही जान गवा बैठे दूसरे से लड़ने लगे है ना दूसरे में कमियां ढूंढने लगे ठीक तो बच्चों को तो समझाते हैं कहानी के थ्रू कह लीजिए लेकिन ये जो अपन बड़े बच्चे हैं इनके समझ में नहीं आती और अपने अपन ने जिस दिन समझ में अपने जब जिस दिन समझ में आ जाए कि ये वाणी और मन इसके लिए नहीं मिला कि हम दाव पेज लगाए कुटिलता रखें है ना और मतलब डाव पेज लगाना मतलब यहाँ पर किसी तरह से जो प्लानिंग नहीं करता रहता दूसरों को किस तरह से तकलीफ दे दें है ना तो वैसा दिमाग जिनके चलता रहता है समझिए वो अपने मन का दुरुपयोग कर रहे हैं ठीक कुटिलता है मन वाणी और शरीर की इस कुटिलता से तो मेरे को कल मन वाणी और शरीर जो भी मिलेंगे सब अशुभ ही मिलने वाले हैं मैं दूसरे का अशुभ नहीं कर रहा हूं मैं तो स्वयं अपना अशुभ कर रहा हूं भैया इतनी सी बात क्यों नहीं समझ में आती कह रहे हैं है ना और भी रीजन बताए कि कैसे कैसे हम अशुभ कर्म बांधते हैं ठीक है ये वाली बात तो हमें समझ में आई कि हमें अपने मन वाणी और शरीर का सही उपयोग करना ठीक कुटिलता नहीं होनी चाहिए अब कह रहे हैं कि जो अस्थिर चित्त रहता है जिनका क्या मतलब अस्थिर चित्र चित्र जिसे कहते हैं ना मूडी है बहुत मूडी है छणे तुष्टम छणे रुष्टम इवन नीति में ऐसे लोगों से दूर रहने को कहा गया है जो फट से गुस्सा हो जाते हैं फट से मजाक के मूड में आ जाते हैं जिनका बिहेवियर पता ही नहीं चलता ऐसे लोगों से हमें थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए और ऐसे लोग खुद के लिए क्या करते हैं तो कहा कि अस्थिर चित्त वाले व्यक्ति अशुभ का ही बंधन करते हैं ठीक तो ये चीज भी हमें ध्यान में रखनी है ये सब हमें अपने ऊपर अप्लाई करना है दूसरे के लिए नहीं बता रहे हम अगर मूडी हैं तो हम संभल जाए ठीक है झूठे नापथुल झूठे होना जो है अशुभ कर्म का बंध होता है ओके। जो बहुत जल्दी से गुस्सा हो जाए बहुत जल्दी से हंसने लगे बहुत जल्दी से यू you नो know, कभी कुछ कभी कुछ इसको पता ही नहीं चल पा रहा है कि ये चाहता क्या है पर्सन, you know? तो वैसा अगर अस्थिर चित्त है तो यह चित अशुभ नामकरण का कारण है बंध का कारण है ठीक है झूठे नापतोल करना झूठे नापतोल मतलब जब हम किसी के लिए मेजर कर रहे हैं तो उसमें कमी ज्यादा ना करें, जितना कहा उतना करें झूठे नापत तो ये भी अशुभ नाम कर्म, क्योंकि वो मायाचारी आ जाएगी ना आचार्य विद्यानंद जी महाराज की सभा में कोई टेढ़ा मेढ़ा बैठा हो तो एक ही सूत्र बोलते थे वो योग वक्रता विसंवादम च शुभस्य नामना मतलब अगर हम योग की वक्रता मतलब योग मतलब मन वचन वक्रता मतलब टेढ़ापन ठीक तो टेढ़ा अगर बैठेंगे तो क्या होगा अशुभ नाम कर्म बनेगा तो एक तरह से रिमाइंडर्स दिलाने के लिए बेसिकली किसी टेढ़े-मेढ़े बैठे व्यक्ति के थ्रू वो ये सूत्र याद दिला देते थे कि अगर मन वचन काय की वक्रता होगी तो आगे जाकर अशुभ मिलने वाला है और मुनि महाराज तो इतना तक करते हैं कि वो शरीर भी टेढ़ा-मेढ़ा नहीं रखते हमेशा उनकी कमर सीधी रहती है जब भी बैठते हैं वो हमेशा सीधे बैठते हैं उनकी हमेशा बॉडी बहुत डिसिप्लिन में रहती है ठीक है ना तो इतना तक वो ध्यान रखते हैं कृत्रिम रत्न इत्यादि का निर्माण कराना मिलावट करना इससे भी अशुभ नाम कर्म, ठीक झूठी गवाही देना इससे भी अशुभ कर्म दूसरे के अंग उपांग का छेदन भेदन करना इससे भी अशुभ कर्म तो ये जो सारे एग्जाम्पल दिए है ना ये मानकर चलिए कि अशुभ नामकरण हमारा क्या करता है अशुभ नामकरण या तो हमारे शरीर को बहुत खराब करेगा है ना अवयव जो है हमारे शरीर के अंग जो है हमने कभी किसी का अंग छेद भेद किया होगा तब जाके आज हमें वो अंग उपांग नहीं मिले ठीक है ना तब इजीली अपन कहने में तो आ जाता है अशुभ नामकरण का उदय है इसलिए एक हाथ नहीं है या विकलांग है यू you नो know, तो ये हमने कभी किसी का अशुभ किया होगा ठीक है ना तो ये उन चीजों से रिलेटेड है कभी हमने मिलावट की चीजें बेची होंगी तो हमारा अशुभ कर्म हो गया मायाचारी जहां पर भी पॉसिबल है मायाचारी से अशुभ नामकरण बंधता है ठीक फिर असभ्य कठोर वचन बोलना जो लोग आजकल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है ना मूवीज वगैरह में भी गाली गलोच बहुत ज्यादा मतलब आर, कुछ समय पहले तो हमें ये शब्द भी नहीं मालूम थे इतना ज्यादा उन वर्ड्स का यूज होने लगा है राइट और उसको बहुत प्राउड फील समझा जाता है जितनी अभद्र भाषा यूज हो रही है ना उसको बहुत स्टेटस सिंबल माना जाता है कि अरे वह क्या मतलब दूसरे को क्या गाली के बिना ये बंदा बात नहीं करता तो कितना अच्छा अच्छा चीज मानी जाती है उसको तो लेकिन यहाँ पर क्या कहा असभ्य कठोर वचन बोलना इससे भी अशुभ का बंद हो रहा है।, है ना तो अपने जुबान को अपनी वाणी को हमें संभालना ठीक अपना घाटा अपने हाथ से ठीक है जैसे हम बच्चों को कान पकड़कर डांट देते हैं भले ही हम सुधारने के लिए डांट रहे हैं ठीक है आपका तो काम बिगड़ गया ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर कि इवन दो पेरेंट्स जो बच्चों के को डांटते हैं उनको भी कहा गया कि आपने अपने लिए अशुभ का बंद कर लिया भले ही उसकी डिग्री कम होगी क्योंकि इंटेंशन अच्छी है लेकिन किया तो सही है ना उसी चीज को बच्चे को प्यार से भी समझा सकते थे या कोई और तरीका होता ठीक है ना तो कहीं पर भी बच्चे को डांट कर सिखाया जाए ये जरूरी नहीं है उसमें और ज्यादा कठोर वचन बोल दिए जाए तो वह भी जरूरी नहीं है बच्चे को प्यार से समझा सकते थे प्यार से बड़ी प्यार की भाषा से बड़ी कोई भाषा नहीं होती ठीक है ना? लेकिन हमें क्या लगता है जितना गुस्सा करते हैं ना तो बच्चे ना कंट्रोल में रहते हैं है ना ये चीज हम अंदर में हम जब बड़े हो रहे हैं तब से हमारे दिमाग में डाल दी जाती है विच इज़ नॉट राइट ठीक है ना लेकिन वो माने या ना माने वो अपना कल्याण करे या ना करे हम अपना त कल्याण अपने हाथ से कर लेते हैं तो ये चीज हमें बहुत अच्छे से समझनी होगी कि, कि किसी भी समय मन वचन वाणी मन वचन काय का दुरुपयोग ना करें इससे अभद्र व्यवहार ना करें ठीक है आचार्य भगवान लिख रहे हैं कि असभ्य जो कि सभ्य लोगों के बीच कहे जाने योग्य वचन नहीं है जो कठोर है मरम भेदी है मरम भेदी मतलब हार्ट को चुभने वाले उन वचनों से अशुभ नाम कर्म का ही बंद होता है और और भी बहुत सारे रीजंस बताए क्या मंदिर का द्रव्य जो है यूज में लेना मंदिर के गंध माल दीप धूप इत्यादि हड़प लेना इससे भी अशुभ नामकर्म का बंद होता है है ना? देवधन जो कि हमने चढ़ावा चढ़ा दिया या है ना? दोनों तरह का पैसा भी और द्रव्य भी जो हमने चढ़ा दिए है जो गुल्लक में डाल देते हैं हम या रसीद कटवाते हैं वो सब देवधन है और जो सामग्री चढ़ाते हैं वो देव द्रव्य इन दोनों में से किसी भी का मंदिर के मंदिर जैसे कई बार इवन जो स्वामी वात्सल्य रहता है राइट तो वो जो मंदिर की तरफ से स्वामी वात्सल्य रहता है और अगर हम उसमें कुछ भी डोनेशन ना दे मंदिर को तो समझिएगा कि हम मंदिर का चढ़ावा खा रहे हैं ठीक है तो इससे क्या होगा अशुभ कर्म बंधेगा ठीक है ना फिर स्वामी वात्सल्य मतलब स्वामी वात्सल्य एक वर्ड बनाया हुआ है स्वामी वात्सल्य होता है भंडारा ठीक है ना, थीके ना? जो मंदिर में भोजन कराया जाता है सबको मंदिर की द्रव्य उसमें यूज होती है मंदिर की सामग्री यूज होती है राइट तो जो खा रहे हैं उनका ये कर्तव्य है कि वो उसको फ्री का समझ कर ना खाए बल्कि कुछ दान पेटी में डाल दे ठीक okay. और दूसरा और भी किस चीज से होता है बोली बोलकर पैसे ना देने से ठीक है जब तक नहीं देंगे तब तक अशुभ नाम कर्म बंधता रहेगा क्योंकि बोल दिया और अब आपने तो वो पैसा बेसिकली आपका नहीं रहा है ना तो वो क्या कहलाएगा देवधन वो देवधन आपके पास रखा है अब जितने दिन तक रखे रहोगे उतने दिन तक परिणाम लेट से चेंज हो गया मनी ना करे देने का है ना दे दूंगा क्या फर्क पड़ता है कौन सा खाए जा रहा हूं ऐसे परिणाम आ गए तो दूसरे जो पैसा था भी अपने पास वो तो लगा दिया अपनी सुख सुविधा में और कह दिया अब मेरे पास तो पैसा ही नहीं है तो पहले अपनी जरूरतें पूरी ना करके पहले जो बोली बोली है उसका पैसा देना ठीक है तो ये चीज कह रहे हैं चार दिन बाद देंगे ये सारा अशुभ नामकरण के बंध कभी रय सार पढ़िएगा एक शास्त्र जी है रय सार ठीक है जैसे रत्नकरण चाव चार है ऐसे ही रयणसार कुंद कुंद स्वामी का लिखा हुआ बहुत डिटेल में उसमें लिखा है ठीक है ये बात कि बोली बोलने के बाद इमीडिएटली देना चाहिए एक ही फैमिली महाराज जी अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं उन्होंने एक फैमिली ऐसी ऑब्जर्व करी है ना होते तो बहुत होंगे लेकिन ऐसी फैमिली थी कि उनका ये नियम था कि जितने बोले वहीं की वहीं देकर और फिर अपना अगला काम करते हैं ठीक है चाहे सोने से पहले मतलब उस दिन ही जिस दिन का बोला है उसी दिन रक, रक वापिस मतलब देकर आते ही आते हैं दूसरे दिन मतलब नेक्स्ट डे पर उसको नहीं डालते ठीक है ना तो इतनी ज्यादा अवेयरनेस इस चीज की रहती है हाँ तो जो एक पर्सन जिसकी वो बात कर रहे हैं जबलपुर में कलश की बोली ली डेढ़ लाख रुपए की उतना तो कोई लेकर नहीं जाता पॉकेट में तो वापिस आए तो सबसे पहले गड्डी निकाली उतने पैसे की एक तरफ रखी फिर उसके बाद दूसरा काम किया ठीक है ना अरे। हाँ कुछ कह रहे हैं उसको सेपरेट कर दिया उसने कहा हम नहीं जानते आपको जो करना है करो जैसे संभालना है आप संभालो हम अपने घर में इस पैसे को नहीं रखेंगे है ना ये इतने रुपए आप रखो क्या पता कल कल के दिन मेरा मन बदल जाए इन रुपयों को लेकर मैं अपने पांच इंद्रिय और मन के भोगों में उपभोग करने लगूं बाद में मेरे पास ये पैसे ना बचे है ना तो फिर मुझे अपने लिए जो है अशुभ कर नामकर्म नहीं चाहिए है ना मन में कुटिल विचार आ सकता है ये क्या है मन बदल जाना बेसिकली कुटिलता है ना तो उसके प्रति अपने मन में कलुषता नहीं आनी चाहिए कुटिलता नहीं आनी चाहिए नहीं देने का भाव अगर थोड़ा भी मन में आ गया देरी से देने का भाव आ गया तो अशुभ नाम कर्म बंधेगा ठीक और ऐसे कार्य जिनसे कि हिंसा होती हो ठीक है ना उससे भी अशुभ नाम कर्म का बंद होगा कल को कोई हमारे साथ हिंसा करेगा जानवरों के साथ कितनी हिंसा हो जाती है राइट right? तो ये कब होगी हम क्यों क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है क्योंकि कभी हमने इस तरह की हिंसा करी होगी ठीक और इतना ही नहीं सबके ठहरने के स्थान को नष्ट करवा देना अच्छा खासा स्थान था जिसे कहते हैं ना कि पूरी की पूरी बस्ती उजड़वा दी कि जी हमें तो यहाँ पर होटल बनाना है ठीक है ना अच्छे लगे वो उद्यान इत्यादि बाग बगीचे उनको नष्ट करवा देना ये सब जो है हमारे अशुभ के बंद के कारण है लेकिन वो तो मास्टर प्लानिंग हो रही है बुलडोजर आएगा सबके मकान जो है उनको तोड़ फोड़ करके एक तरफ रख देगा है ना तो माना कि ये मास्टर प्लानिंग है बुलडोजर आएगा वो करेगा लेकिन इसमें हमारा अगर समर्थन है कि हाँ ठीक कर रहे हो है ना तो ये हमारे लिए भी अहित कर हो जाएगा क्योंकि हमने समझा है ना कृतकारित अनुमोदन से कर्म बंधता है ठीक है ना बहुत संभल कर जीने का है मामला संसार कहाँ जा रहा है किस तरफ जाने दे अपन अपना लौटा छाने संसार चाहे कैसा भी आज डीग्रेड हो रहे हैं इमोशंस भी रिलेशनशिप्स भी सोच भी सबको डिग्रेड हो रही है है ना डिग्रेड मतलब नीचे की तरफ जा रही है लेकिन जाने दें अपने को अपने से मतलब है हमें अपनी अपना संसार कैसे घटाना है हमें उस पे वर्क करना होगा ठीक है ना तो हम अपना संसार घटाना चाह रहे हैं तो अपना काम हमें होशियारी से जिम्मेदारी से करना होगा जिसके द्वारा सबके कल्याण के लिए शरीर की क्रियाएं होती हैं जिसका मन सबके कल्याण के लिए भरा है जिसकी वाणी सबके कल्याण के लिए और निरंतर अच्छे वचन बोलती है वही अपने मन वाणी और शरीर का सदुपयोग कर रहे ठीक है तो मन से भी अच्छा, अच्छा? सबके कल्याण के लिए कार्य करना ठीक मन से सबके कल्याण के लिए सोचना और वाणी से सबके कल्याण के लिए बोलना ठीक है ना इसीलिए अपने यहाँ पर हमेशा मैत्री भाव को सबसे ऊपर रखा ठीक है ना जिसे हम कहते हैं ना कि निर्मल दृष्टि जिसकी निर्मल दृष्टि होगी जो सबके सबको अपने जैसा समझता है उसी के अंदर मैत्री भाव हो सकता है तो उसी के ही शुभ कर्म बंधेगा ठीक है ना तीर्थंकर प्रकृति भी तो शुभ नामकर्म के ही एक पार्ट है ठीक है ना तो इतना तक शुभ कर्म हम बांध सकते हैं अपने मन वचन काय की सक्रिय सही यूसेज से ठीक है ना अगर हम इसके विपरीत कार्य करेंगे तो क्या होगा हमारा शरीर कमजोर होगा कई लोग वो पाए जाते हैं ना जन्म से ही बहुत कमजोरी के साथ रहते हैं मैंने अपने कर्मों से शरीर कमजोर बनाया है मुझे अच्छी बुद्धि क्यों नहीं मिली तो मेरी माँ ने मुझे ऐसी छोटी बुद्धि वाला बनाया हो ऐसा नहीं मेरी बुद्धि अगर कम है तो मैंने कभी किसी दूसरे की बुद्धि की प्रशंसा नहीं करी होगी कभी किसी दूसरे के ज्ञान की प्रशंसा नहीं करी होगी है ना तो हम अपने में दोष ढूंढे दूसरे पे ब्लेम ना डालें जैसे हम कई बार इवन बहुत कमजोर माता पिता के भी एक हृष्ट पुष्ट बच्चा हो सकता है डार्क स्किन वाले के भी एक ब्राइट के स्किन वाला लाइट स्किन वाला बच्चा हो सकता है तो बच्चा अपने कर्म साथ लेकर आता है ठीक है ना माता पिता तो सिर्फ निमित्त बन जाते हैं ठीक है ना तो हम दूसरे पर कभी भी ब्लेम ना डालें कि मेरी बुद्धि कम है माँ ने ढंग से ध्यान नहीं रखा होगा प्रेगनेंसी में है ना तो इस तरह से ना सोच के हमने उस बुद्धि को नष्ट करने का जो उपाय किया था अब हम उसको ना करें उसके मन को चोट पहुंचाने का विचार किया होगा जिससे कि मेरे मन को आज क्षुद्रता ही मिली हुई है ऐसा विचार करना चाहिए हमने हो सकता है पहले किसी के मन का ध्यान ना किया हो जो आज कोई हमारे मन को चोट पहुंचा रहा ठीक है तो ये भी चीज हमें देखनी होगी ये हमारे पाप कर्म के उदय में ही पॉसिबल है जब कोई शत्रु हमें तकलीफ पहुंचा पाए ठीक है ना हमने कभी किसी को तकलीफ पहुंचाई होगी एक छोटा सा उदाहरण है वो नुजम नाम का बालक था। और शरीर सबको मिलते हैं कौन कैसा उपयोग करेगा यह उस पर निर्भर है यह उसकी अपनी चॉइस है बचपन में एक यज्ञोपवीत संस्कार होता है दक्षिण भारत में तो ये बहुत होता है राइट तो आचार्य महाराज जो विद्यासागर महाराज जी साउथ से हैं तो उनका भी हुआ ग्यारह से बारह साल की उम्र में जब थे तब हुआ ठीक है तो ये इंफॉर्मेशन के लिए बता रहे कहानी किसकी है रामानुजन की ठीक मूंजी बंधन कहते हैं उसको तो उसमें उस संस्कार में एक मंत्र भी दिया जाता है जीवन भर गुरु मंत्र जिसका की जाप करना होता है यदि विपत्ति आए तो उससे बचने के लिए मतलब इतना श्रद्धान उस मंत्र पर डालना होता है यज्ञोपवीत संस्कार के समय पर जो मंत्र दिया जाए चाहे शुभ दिन हो चाहे अशुभ दिन हो सब में जाप करना तो वह मंत्र दिया उनके गुरुजी ने रामानुजन को और समझा दिया कि सुनो इस मंत्र के जपने और सुनने मात्र से कल्याण हो जाता है बड़ा अलौकिक मंत्र है पर सुनो इसको सावधानी से पढ़ना और अपने पास ही चुपचाप रखना किसी को बताना मत ऐसा बोल दिया गुरु ने चारू जी आ, ये यज्ञोपवीत क्या होते हैं यज्ञोपवीत जनेऊनी बांधते हैं हां हां अच्छा जनेऊ को बोलते हैं जनेऊ को तो वो आ, एक सबको बांधा जाता है नॉट जस्ट ब्राह्मण जैसे अपन ने तो क्या सुना था कि ब्राह्मण पहनते हैं राइट आहार तो, के समय आहार देते हैं उस समय महाराज लोग जो जनेऊ देते हैं पहनाते हैं वही ना आई एम नॉट वेरी श्योर कि हर किसी समय जनेऊ देते हैं लेकिन साउथ में एक छोटी एक बहुत से महाराजाओं का नियम होता है ना कि जनेऊ जो पहना होगा उसी से हार लेंगे ओह अच्छा अच्छा तो वही जनेऊ है ना ये करेक्ट जो गले में छाती से ऐसे क्रॉस होके पहनाया जाता है बॉडी हां 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 वही ओके हां हा, तो वो आचार्य महाराज ने भी पहना हुआ था मतलब जब उनकी जब वो ब्रह्मचारी जी थे तब पहना हुआ था उन्होंने तो रामानुजन के गुरु ने उनसे कहा कि भाई ये मंत्र बहुत अलौकिक है सबका जो भी सुनता है इसका कल्याण होता है लेकिन सावधानी रखना अपने तक ही रखना ठीक है तो अब छोटा सा बालक और उसे रात भर विचार हुआ एक तरफ तो कहा कि ये मंत्र अलौकिक है जो सुनेगा उसका कल्याण होगा और एक तरफ कह रहे हैं किसी को बताना नहीं तो ये दोनों बातें समझ में नहीं आ रही सुबह उठा तो उसने छत पे जाके जोर जोर से उस मंत्र का पाठ करने लगा गुरु जी को जब पता चली तो वो बड़े दुखी हुए बोले कि तुम्हें कहा था ना किसी को मत बताना ये तो चुपचाप करने का था, है ना? तो वो बच्चा बोलता है पर गुरु जी आपने यह भी तो कहा था कि ये मंत्र बहुत अलौकिक है और जो भी सुनेगा उसका कल्याण हो जाएगा तो मैं तो ये चाहता हूँ कि सबका कल्याण हो है ना तो गुरु जी ने उस बालक की पीठ थपथपाई अब तो जरूर तुम्हारे पास ये मंत्र तुम्हारा ही नहीं सबका कल्याण करेगा ठीक है ना तो बेसिकली जो अच्छी सोल्स हैं है ना वो कोई भी चीज अपने सिर्फ कल्याण हो जाए ऐसा नहीं सबके साथ शेयर करते हैं सबका कल्याण हो उनके अंदर में ये भाव रहता है और तभी वो मंत्र वो जो विद्या है वो भी पावरफुल रहती है है ना जो विद्या सिर्फ अपना ही फायदा करे वो विद्या ज्यादा देर नहीं रहती लेकिन जिस विद्या से दूसरों का भी फायदा हो वो विद्या हमेशा साथ में साथ देती है ठीक है ना भैया मंत्र और कोई बड़ी चीज नहीं है मंत्र तो सबके पास है ये देखने वाली चीज है कि उसमें सामर्थ्य कौन डालता है ठीक है जिसके अंदर सबके कल्याण की भावना हो वो ही उस मंत्र में सामर्थ्य डाल सकता है हमारी अपनी सद्भावनाएं उसमें सामर्थ्य डालती हैं सद्भावनाएं मतलब अच्छे विचार अच्छी सोच उस मंत्र में पावर देती हैं मन वाणी और शरीर से जो भी करें वो सद्भावना से करें अच्छे विचारों से करें तो फिर देखिएगा कि हमारे जीवन में जो मिलेगा वो सब शुभ ही मिलेगा है ना हमारे महाराज जी जितने भी हैं साधु है ना सबके कल्याण के लिए जीते हैं उनका कोई भी ऐसा नहीं रहता कि इस पर्सन को बस सब कुछ मिल जाए सब सारा जितना भी मेरा आशीर्वाद है सब इस एक पर्सन को दे दूँ और जो मेरा अपना या मेरा फॉलोअर है और बाकी किसी को कुछ ना दू इस तरह के भाव उनके नहीं रहते है ना उनके अंदर प्राणी मात्र के लिए करुणा रहती है ठीक तो उससे वो क्या करते हैं अपने लिए ही शुभ कर्म का बंद करते रहते हैं और अगर दुर्भावना से दुर्भावना मतलब बुरे फीलिंग्स के साथ अगर मन वाणी और शरीर का हम उपयोग करेंगे तब फिर मानिएगा कि हमें भी आगे शरीर वैसा ही मिलेगा ठीक okay? तो सिंपल सी बात है वैसे तो अगर एक बात इस चीज को मंत्र बना लें अपना अच्छे से बैठा लें मन वाणी और शरीर का दुरुपयोग नहीं करना याद सिंपल कहें मन वाणी और शरीर का सदुपयोग करना है है ना? तो इसको अपन कभी ध्यान में बैठे हो तो इसको रिपीटिशन में भी एक तरह से जो बोला जाता ना वो भी बना सकते हैं। उससे क्या होगा हमारे सबकॉन्शियस में ये चला जाएगा कि हम अपने मन वाणी और शरीर को जब भी यूज करें अच्छे कामों के लिए ही यूज करें ठीक है ना तब हमें बहुत ज्यादा सोच नहीं करनी पड़ेगी अपने आप से हम अपने अच्छे कामों में अच्छी सद्भावना के साथ ही काम में उसको यूज करेंगे ठीक है ना? तो इसको भी लिया जा सकता है, ठीक अभी तक नहीं किया कोई नहीं अब तो शुरू कर सकते हैं ऐसा विचार करके अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए हम सब पुरुषार्थ करें इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय यहाँ तक के कि किसी को कोई क्वेश्चन तो करना अब बात चलेगी यहाँ पर नेक्स्ट जो कर्म प्रकृति कर्म है हमारा वो है गोत्र कर्म ठीक है तो स्टार्टिंग में तो यही कह रहे हैं कि संसार में अच्छा और बुरा कुछ भी नहीं है ये हमारी कल्पना है है ना जैसे सर्दी के दिनों में हमें पंखा नहीं अच्छा लगता पंखा बुरा है क्या नहीं हमें क्योंकि ठंड लग रही है इसलिए पंखा बुरा है है ना और गर्मी में गरम कपड़े हीटर हमें नहीं पसंद हमें उसमें द्वेष दिखता रहे जल्दी बंद करो नहीं सहन हो रहा हटाओ इसे यहाँ से है ना तो क्या उसमें कमी थी नहीं हमारे शरीर उस चीज को उस समय अच्छा नहीं मान रहा था ठीक है ना तो ये सब हमारी कल्पना है हमारे देखने का नजरिया है हमारा राग द्वेष है जो चीज़ों में हमारा राग होता है वो हमें अच्छी जान पड़ती है और जिनमें नहीं होता तो वो हमें बुरी जान पड़ती है जैसा कि अभी एग्जाम्पल दिया है ना चीजें तो चीज होती है ना अच्छी ना बुरी लेकिन क्या करें हमारे संस्कार अनादिकाल के ऐसे हैं कि हम चीज को चीज की तरह नहीं देखते चीज मतलब किसी भी वस्तु को हम उसके साथ हमेशा अच्छा या बुरा लगा कर देखते हैं है ना तो किसी भी चीज को उठा कर देख लीजिए अभी जो एग्जाम्पल दिया गर्म कपड़ों का और पंखे का ऐसे ही हम उस चीज को उस समय राग या द्वेष के साथ देखते हैं ठीक है ना जिंदगी ऐसी भी नहीं है कि जैसे शतरंज के खांचे होते हैं एक सफ़ेद है तो दूसरा काला सब लोगों के जीवन में हमेशा सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख ऐसा कोई क्रम है ऐसा भी नहीं है है ना ऐसा नहीं है नियम से ऐसा नहीं होता कि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आएगा ही आएगा हो सकता है किसी का सुख लंबा चल जाए और किसी का सुख दुख जो है जल्दी जल्दी चेंज होता रहे है ना तो ऐसा भी हो सकता है ठीक है तो ऐसा क्यों होता होगा तो उसका हम जानेंगे जिसे हम आज अपना मान रहे हैं वो कल हमारा शत्रु हो सकता है और जिसे हम आज अपना शत्रु मान रहे हैं वो कल हमारा मित्र हो सकता है इतना परिवर्तनशील है ये संसार है ना ये संसार जो हमें अपनी आंखों से दिखता है वो तो है ही है और पास्ट में भी हम देखते हैं कि कल जो हमारा रिश्ता किसी के साथ था आज हो सकता है वही किसी और फॉर्म में हमारे साथ रह रहा है राइट तो ये सब संसार के परिवर्तन है ठीक है ना? हमारे अपने राग द्वेष का ही परिवर्तन है जैसा हमारे मन में भाव होता है वैसा हम संसार में चीजों को और व्यक्तियों को देख लेते हैं अगर हमें सब तरफ लिट से अपने शत्रु ही दिखाई दे रहे हैं ठीक है इसका मतलब यह है कि हमारे भाव बहुत नेगेटिव चल रहे हैं ना मन में कैसे नेगेटिव भाव होंगे तो संसार में शत्रु ही दिखाई देंगे और अगर पॉजिटिव होंगे तो कोई भी शत्रु दिखेगा ही नहीं ठीक आचार्य भगवंतों ने हमें बार बार इस बात की सावधानी रखने की कही कि ठीक है किसी को हम शत्रु मानते हैं आज किसी को हम मित्र मानते हैं आज ठीक है पर थोड़ा विचार करना होगा कि कोई हमेशा शत्रु नहीं होता और कोई हमेशा मित्र नहीं होता तो क्या करना फिर क्या कहा मैत्री भाव सबके ऊपर रखना यही सबसे श्रेष्ठ है मैत्री जो है वो शत्रु और मित्र से ऊंची चीज है मैत्री मतलब हार्मनी हार्मनी सबके साथ शत्रु है तो भी हारमनी मित्र है तो भी हारमनी ठीक है ना तो ये चीज बहुत बहुत साइंटिफिक um, कह लीजिए कि अगर हम अपने शत्रु को भी शत्रु ना देखकर मित्र की तरह देखें ठीक है लेट से आप अपनी तरफ से अपना नजरिया ऐसा रखे कि सब मेरे मित्र हैं ठीक है ठीके? मेरा किसी से किसी की मेरे से दुश्मनी नहीं है और सब मेरे लिए अच्छे भाव रखे हुए हैं भले ही कोई बुरे रखे हुए है ठीक है लेकिन आपको कैसे भाव रखने हैं कि सब मेरे मित्र हैं और सब मेरे लिए अच्छा सोचते हैं तो अब क्या होगा ये एक तरह का आ, कह लीजिए कि आपको अपनी तरफ से उस पर्सन से कोई भी आ, बदला या आ, ये कह लीजिए कि आप उसके लिए कोई भी बुरी भावना नहीं भी रखेंगे तो भी उस पर्सन के विचार अगर आपके लिए खराब है तो वह जो उसके भाव हैं वो उसी के ऊपर उल्टा प्रभाव दिखाएंगे जब तक कि हम उसे अपना मित्र नहीं मानते तब तक ये पॉसिबल नहीं है इसका मतलब क्या है हमने उसकी नेगेटिविटी को एक्सेप्ट कर लिया था अब हम क्या करें हम अपनी तरफ से एक पॉजिटिव वॉल बना लें है ना तो उस पर्सन की नेगेटिविटी हम तक टच नहीं होगी और वापस उसी तक जाएगी जैसे हम कई बार पढ़ा भी है ना तंत्र विद्या भी ऐसा ही कुछ वर्क करती है है ना कि अगर कोई लेने वाला ना ले तो वापिस उस जिसने किया है तंत्र उसके पास ब्लैक मैजिक जिसे कहते हैं तो उसी के पास वापिस जाकर और उसको नष्ट कर देती है ठीक तो इसी तरह से हम भी एक तरह से उस ब्लैक मैजिक की प्रोसेस को समझकर अपने अंदर वो चीज को लाएं कि अपनी तरफ से हम सबको मित्र माने तो जो अगर कोई शत्रु हमारी लाइफ में होगा भी तो हमें उसके लिए रिवेंज लेने की या हमें उसको कोई लेसन सिखाने की जरूरत नहीं है वो शत्रु अपने आप अपने आ, बुरे सोच के कारण वैमनस्य के कारण द्वेष के कारण खुद ही अपनी लाइफ में उसका इफेक्ट देखने लगेगा एटलीस्ट हम अपने खराब विचारों से बच गए है ना तो हम हमने उसके साथ मैत्री का भाव रखा और उसने हमारे साथ शत्रुता का व्यवहार रखा तो सोचिए कि उसकी लाइफ में तकलीफ जल्दी आ सकती है क्योंकि तो वो उस बात को निकाल नहीं पा रहा है राइट लेकिन हमने ऊपर उठकर और उसको उसके साथ जो शत्रुता थी उसको भुला दिया है ना हमने उसके साथ मित्र वाली फीलिंग रखी है तो इससे हमारा फायदा ही फायदा होगा ठीक है हम प्राणी मात्र के प्रति अपने मन में करुणा का भाव रखें अभी तो हमारी करुणा जो है हम क्या करते हैं अपने और पराई अपना है तो करुणा करेंगे और पराया है तो हमें दया भी नहीं आती ठीक है ना तो ये चीज हमें ठीक करनी होगी ठीक है ना हमारी दया और करुणा प्राणी मात्र पर उससे क्या होगा लिट से आपके घर में कोई ऐसा पर्सन है जिससे आपकी नहीं बनती है ना या आपके विचार नहीं मिलते लेकिन है तो वो प्राणी राइट तो अब हमारी जो दया और करुणा है वो उस प्राणी पर भी होनी चाहिए ठीक है अगर हमें अपना कल्याण करना हमें वो शत्रुता वो द्वेष उसको भुलाना होगा खत्म करना होगा और यही टाइम है जब हम ह्यूमन बीइंग है है ना सोचिए आप लेट से आपने दीक्षा लेने की सोची, है, है ना दीक्षा लेने में तो पहली बात तो अपना पूरा परिवार छोड़ते हैं अपना जितना भी वैभव वे, है या वेल्थ है उसको छोड़ देते हैं राइट? लेकिन साथ ही साथ हमें वो राग और द्वेष भी छोड़ना होता है ऐसा नहीं मुनि बन जाते कि राग और द्वेष तो चलता रहेगा अपने अपने परिवार के लिए अच्छा और जो मेरे जिससे मेरी दुश्मनी थी उसके साथ मैं द्वेश को मेंटेन रखूं ऐसे हम अपने लिए कभी भी साधु नहीं बन पाएंगे है ना तो हमारा गोल यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि दुनियादारी हम कितने अच्छे से चला पा रहे हैं लोग हमें बेवकूफ तो नहीं समझ रहे हमें यहाँ पर है अपनी आत्मा का कल्याण के लिए हम क्या कर ठीक है ना तो वो जो हमारी इष्टनिष्ठ की कल्पना है बुरे भले की कल्पना है शत्रु मित्रता की कल्पना है वो सब क्या है हमारे लिए ही तकलीफ का कारण बन सकती है ठीक क्योंकि शत्रु क्या है बेसिकली शत्रु जिसमें हमें कोई गुण दिखाई ना दे ठीक है ना है शत्रु शत्रु द्वेष होगा शत्रु होगा तो द्वेष होगा द्वेष होगा तो दोष दिखाई देंगे उसने ऐसा किया वो ऐसा है वो वैसा है है ना तो दोष दिखाई देंगे तो दूसरे के दोष देखना क्या ये अच्छी बात बताइए नहीं ठीक है ना तो उसी बात पर आ रहे हैं माँ को अपना बेटा कितना भी बुरा क्यों ना हो उसमें कोई दोष दिखाई नहीं पड़ता कोई आकर के कि उसकी कितनी भी शिकायत करे माँ यही कहेगी कि मेरा बेटा अच्छा है तुम बेकार परेशान मत हो उसका अपना मोह उसका अपना राग उसका अपना उसका अपना मोह और अप, हमारा अपना जो राग है वो वस्तु और व्यक्ति को इसी तरह या तो गुणों से युक्त देखता है अथवा दोषों से युक्त देखता है ठीक है ना गुण और दोष किसमें कितने हैं कोई भी ऐसा नहीं जो सिर्फ गुणवान हो और कोई भी ऐसा नहीं जो दोष से युक्त ही हो ठीक है आचार्य महाराज ने लिखा कि हरेक व्यक्ति के अंदर और चाहे कुछ हो या ना हो एक गुण अवश्य होता है तो मतलब कोई भी पूरी तरह से अवगुण नहीं होता सबके अंदर कोई ना कोई गुण जरूर होगा ठीक ऐसे ही जैसे गरीब आदमी की झोपड़ी हो चाहे किसी का आलिशान मकान हो आने जाने का दरवाजा तो सब में होता है ठीक इसी तरह सब में एक गुण होता है मतलब ज्यादा हो तो हो लेकिन गुण रहित व्यक्ति कोई नहीं होता ठीक है ना हमारी देखने की दृष्टि हो तो हम उस गुण को इतना बड़ा करके देखें कि सिर्फ वही गुण दिखाई दे और दोष ना दिखे ठीक है? लेकिन हमारी दृष्टि क्या है हमें वो गुण तो क्या हमारी दृष्टि इतनी कलुषित है कि सैकड़ों दोष तो दिख जाएंगे लेकिन अगर कोई एक सिंगल दो गुण भी होगा तो वो हम नहीं देख पाते ठीक है ना या ये कह लीजिए कि एक दोष हो तो हम उसे इतना बड़ा करके देखते हैं कि अब सौ गुण भी हैं तो वो सौ गुण नहीं दिख रहे एक कारण होता है ना घरों में झगड़ा होने का राइट जब हमें दूसरे की छोटी सी कमी भी बड़ी दिखने लगती है ठीक है ना तो यहाँ पर कहा परात्म निंदा प्रशंसे सदसदुणोदन छादनोद्भावने च गोत्र से सद सद छा, छादन, नीचेर क्या मतलब परात्म निंदा ठीक है पर की निंदा और आत्मा की अपनी प्रशंसा ठीक है उससे क्या होगा उससे नीच गोत्र का बंद होगा और सद सतगुण अच्छे लोगों के अच्छे गुणों को आच्छादन छिपा देने का जो भाव है वो नीच गोत्र का बंद करता है ठीक है ना तो ये चीज हमें समझनी होगी ठीक है कोई किसी अच्छे व्यक्ति को देखकर अगर हमारे मन में उसको नीचा गिराने के भाव हो तो समझिएगा कि हम अपने को ही नीचा गिरा लेंगे कल को हमें जो आज ये उच्च कुल मिला है ना जैन कुल मिला है वो कल को नहीं मिलेगा ठीक है आई थिंक टू मच हो जाएगा यहीं तक रखते हैं सूत्र को फिर से स्टार्ट करेंगे यहाँ पर एक्सप्लेन किया है उसको यहां तक के कि किसी को कुछ समझ में आ रहा था ज्यादा तो नहीं हो गया टॉपिक नहीं बोल रहा है तो आई अज्यूमिंग की समझ में आया ये बातें सिर्फ बार बार पढ़ने की है तो, तो, तो बहुत बार समझने के बाद भी लगता है कि अभी भी मुश्किल आती है बिल्कुल दो, दोनों चीजें जैसे बार दूसरे बार के गुण देखना और बच्चों को ना डांटना करें इन दोनों में तो मुझे लगता है अभी तक भी <laughs> या मेंटली प्रिपेयर ही नहीं हो पा रहे हैं हम लोग की दूसरे में गुण देखने हैं बिल्कुल सही है और ये सबके साथ है क्योंकि कह अपने तो प्याले प्याले तो पहले दोष दिखाई देते गुण दिखते नहीं है किसी के भी दोष सबसे पहले दिखाई दे जाता है द्रव्य क्षेत्र काल भाव का भी प्रभाव है और दूसरा हमारे जिस इन्वायरमेंट में हम बड़े होते हैं ना तो हमें अच्छा फील कराने के लिए दूसरे के दोष दिखाए जाते हैं ठीक है अरे उसमें ये नहीं है तो मैं तो बहुत है यू नो तो हमें वो चीज़ वो नज़र दे दी जाती है जब छोटे होते हैं तो इस वजह से हम वैसे बड़े होने के कारण हमेशा बस गलतियां ही ढूंढकर और खुद का सेटिस्फाई करते हैं ईगो को है नो तो उस चीज से हमें अब वापस से बाहर निकलना होगा तो टफ तो होगा क्योंकि पूरी उम्र इसी चीज़ में निकल गई दूसरे के दोष देखना ताकि अपने को अच्छा फील करा सके है ना लेकिन अभी भी समय है अगर हम चेत जाएँ थोड़ा सा अवेयरनेस ले आए तो अपने उन गलतियों को हम सुधार सकते हैं ठीक है ना टाइम लगेगा लेकिन परसिस्टेंस के साथ एवरीथिंग इज़ पॉसिबल लेकिन चारू जी एक दूसरे की संगत से भी बहुत फर्क पड़ जाता है ना हाँ बिल्कुल बिल्कुल भी तुरंत बदल जाते हैं भाव बदल जाते हैं सही है ना बिल्कुल <laughs> सही है बिल्कुल ही सही है इसीलिए सत्संगति अपने में बहुत बड़ा आ, रीजन बताया है अपना कल्याण करना है तो जैसा हम अपनी लाइफ चाहते हैं वैसे लोगों के बीच उठे बैठे ठीक है यही तक रखते हैं तो कैसे, दूस, अपने दूस, कैसे अपने दोष कैसे अपन दूसरे दोष को नहीं देखे उसके लिए क्या करना चाहिए हाँ वो अभी आगे चलेगा ये अभी चर्चा शुरू हुई है ना यही चर्चा आगे चलेगी ठीक है

স্েকো জেচেনে. স্েকে জেচেনে.